अरे मोदी जी एक बात बताइए, जो हम रास्ता जा रहे थे दिल्ली को बेचने के लिए लीची को, इस समय लीची बहुत तैयार हो गई है, तो ये लीची जो हम बेचने जा रहे हैं दिल्ली को, ये रास्ता कैसे हम भूल गए? अभी तो हम काली रोड के किनारे किनारे जा रहे थे, लेकिन तुम इस रास्ते पे क्यों लेकर आ गए? अभी बताओ, इतनी ठंडी और इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम मुझे इधर धूप की तरह लेकर आ गए। बताओ मैं किधर जाऊँ, कोई मुझे रास्ता तो बताओ कम से कम, कैसे मैं जाऊँगा? थोड़ा बताइए मोदी जी, आप तो इतने जानकार इंसान मेरे साथ हैं, फिर भी आप काली रोड छोड़कर के इधर कच्ची सड़कों पे क्या करने आ गए? इधर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मिट्टी मिट्टी मुझे दिख रही है। बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अरे योगी जी, यही तो हम बता नहीं सकते तुमको हम कहाँ जा रहे हैं। अरे भला पूछो, इतनी देर से 4 दिन से हम लोग लगातार अपने सिर पे लीची लिख करके जा रहे हैं, अब इतनी लीची लेकर के जा रहे हैं तो ये कम से कम हम लोग थोड़ा आराम करेंगे कहीं बैठ करके? इतनी लोडिंग सिर पे है, हमारे सिर पे ना तो कोई गमछा ना तो कुछ भी है, इतनी गर्मी पड़ रही है धूप के कारण, मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ कहीं पे धूप में छाँव में बैठ करके आराम से मौज कर लेते, मौज मस्ती फिर ले चलते हैं लीची बेचने के लिए। और केजरीवाल तो भी चल रहा है दिल्ली की तरफ, अब केजरीवाल रास्ता पूरा जानते हैं दिल्ली में कैसे जाना है, तो केजरीवाल हमको बताएंगे, थोड़ा छाँव में बैठ करके आराम कर ले। लालू जी भी देखो इतनी तंग हो रखे हैं गर्मी में जा जा करके। अरे राहुल, ये तो राहुल तो आया ही नहीं यहाँ पे, अरे केजरीवाल कौन सा रास्ता जाएगा दिल्ली को, जरा हमको भी बताओ। अरे मोदी, ये सही कह रहे हो, एकदम एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो। अरे हम लोग थोड़ा आराम करेंगे यहाँ छाँव में बैठ करके, उसके बाद चलेंगे रास्ता पकड़ करके, हमको दिल्ली का रास्ता बहुत अच्छी तरह से मालूम है कैसे चलते हैं, वैसे चलेंगे चुपचाप, सब लोग शांति बनाए रखो भाई लोग, वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब। आ जाइए भाई और बहनों, आ जाइए हमारे यहाँ सबसे सस्ते भुट्टे और छल्ली मसालेदार नींबू लगा करके दिया जाता है। आइए 20 रुपए की एक छल्ली, आइए 20 रुपए की एक छल्ली, हमारी योगी जी की दुकान पे सबसे सस्ते छल्ली ले जाऊं और कहो गड़बड़ कहो मोहल्ले में बांटो, इतनी अच्छी लच्छी हमारे यहाँ पे भुट्टे बिक रहे हैं। फटाफट आ जाइए भाई और बहनों, आ जाइए हमारी दुकान, सस्ते छल्ले बिक रहे हैं, सस्ते सबसे सस्ते भुट्टे हमारी दुकान पे बिक रहे हैं, फटाफट आइए और ऐसे छल्ली खाइए और मस्त हो जाइए, फटाफट आ जाइए हमारी दुकान पे भाई और बहनों, ऐसी छल्ली कहीं नहीं मिलेगी तुमको, हमारी दुकान पे 20 रुपए में एक छल्ली एक भुट्टा के साथ दिया जाता है, फटाफट आ जाइए। आइए केजरीवाल, आइए आइए राहुल, तुम भी ले जाओ, इतने सस्ते कहीं नहीं मिलेंगे छल्ले, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह क्या बात है, तुम्हारे पास कितने अच्छे भुट्टे बिक रहे हैं। अरे योगी जी, इनके दाम तो बताओ कम से कम, क्या रेट बेच रहे हो ये भुट्टे, बड़े मसालेदार लग रहे हैं, आपकी जो भुनाई है वो देख करके मैं तो कहता हूँ ऐसा भुट्टा तो कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे 10 भुट्टे लेने, इनके रेट बता दो कितने रुपए का एक भुट्टा बेच रहे हो? ये 20-20 रुपए चिल्ला करके तो तुम ग्राहक को बुला नहीं रहे हो मोदी जी, तुम तो भगा रहे हो। ये बताओ इस भुट्टे का रेट क्या होगा, अगर रेट सही लगाऊं तो मुझे पैक कर दो इतने दाम में, 5 रुपए का एक भुट्टा तो पूरे संसार में मिलता है, सबसे महंगा तुम क्यों लगा रहे हो, कुछ तो सस्ता लगाओ कम से कम। ये बताओ योगी जी, क्या रेट लगाओगे भुट्टे को, अगर सही रेट लगाओ तो हमारे लिए 10 भुट्टे पैक कर दो, बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, इतने महंगे मत बेचो, पीछे पुलिस भी खड़ी है लालू साहब। अरे देखो केजरीवाल, तुम्हें लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना रेट नहीं कम करता हूँ, रेट कम करने से यहाँ पे हमारे ग्राहक भड़क जाते हैं, इसलिए मैं रेट नहीं कम करूँगा, आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं कोई बात नहीं भाई लोग, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब।